Further looking into the challenges and issues in independent practice, a counselor may face different problems related to independent practice, especially during psychotherapy, managed care, advertising of services, higher risk of inappropriate role blending, etc. However, some unique unethical issues can also come up with time to time, and they could be very unique in offer. एट टाइम्स वी कैनॉट फोर्स सी किस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में सामने आ सकते हैं बट uh, कभी कभार वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं और कभी कभार वो काफ़ी सारे पेनफुल भी हो सकते हैं बट वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैम वेरी सेंसिटिवली द एबसेंस ऑफ यर कोलाबोरेटिव मे लीड टू द लेस सोशल कंपेरिजन बिकॉज दिस इज़ वेरी मच परटिकुलर कि अगर हम uh, अपने दूसरे किसी कुलीग के साथ कंपेयर नहीं करे होते और एक इंडिपेंडेंट सेटिंग में काम कर रहे होते हैं और अपने आप को एक सोलो फ्लाइट के तौर पर लेके चल रहे होते हैं और ये ज्यूम करते हैं कि हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है सो समाइम्स द लेस कंपेरिजन ऑल्सो क्रिएट एन इशू और आप uh, अपने आप को इम्प्रूव करने की जो एक कॉन्टीन्यूस एफर्ट है उससे अपने आप को शायद uh, बचा रहे होते हैं उससे अपने आप को शायद रिफ्रेन कर रहे होते हैं विच इज़ प्रॉबली नॉट अ गुड सोल्यूशन और जब हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं तो हमें उस तरह से किसी से प्रोफेशनल कंसल्टेशन या गाइडेंस की ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही होती जो कहीं कही ना कहीं हमारी एक अच्छी एबिलिटी जो है उसको सप्रेस करी होती है टू लर्न फर्दर एंड टू ग्रो फर्दर जैसे हम हॉस्पिटल्स के अंदर देखते हैं कि एक कोई कॉम्प्लिकेटेड जो केस है उसके ऊपर एक केस कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन हेल्ड होती है और सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उस केस के ऊपर उसकी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं उसके डायग्नोसिस के अंदर वो बताते हैं कि क्या कॉमोरबिटीज़ हो सकती हैं या प्रोबेबली किन एस्पेक्ट्स को हिस्ट्री टेकिंग में प्रॉपरली शायद एड्रेस नहीं किया गया एंड थिंग्स लाइक दैट तो उससे जो एक मेन पर्सन uh, जो उसको डील कर रहा होता है साइकोलॉजिस्ट उस केस को प्रजेंट कर रहा होता है या उसको जो है वो लीड कर रहा होता है वो बहुत सारा कुछ लर्न करता है और उसकी लाइफ में वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करता है इसी तरह अगर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो डे जनरली Discuss the cases with different psychiatrists or wo they come up with some better solutions most of the time. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी जो एक प्रोफेशनल ग्रोथ की होती है ये थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है सिचुएशन मोस्टली रिजल्ट इन फेलियर टू ऑलवेज थिंक केयरफुली अबाउट द मैनर इन विच वन प्रैक्टिस एंड मैनेजेस केसेस क्योंकि जो डायग्नोसिस एक सिंगल इंडिविजुअल ने खुद तय कर लिया और उसने उसके ऊपर किसी से फीडबैक नहीं ली और समटाइम्स उससे उसके अंदर कोई एरर हो गया तो देर इज नो वन एल्स हु कुड रेक्टिफाई दैट मिस्टेक द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर हु मे हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और अदर हु रिक्वायर केयरफुल सुपरविजन जनरली ड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ पेड वोकेशन और सिक डेज अगर एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने वाला इंडिविजुअल किसी भी रीजन से अनअवेलेबल uh, अवेलेबल हो जाता है वो बीमार हो जाता है उसको छुट्टी चाहिए या वो जाना चाहता है तो इन दैट सिचुएशन दिस बिकम्स वेरी ट्रिवियल कि अगर वो एक सिंगल पर्सन जो कि एक सिंगल तोलो पर्सन काम कर रहा है वो अगर सीन से चला जाएगा तो उसकी जो क्यू में पेशेंट्स हैं जिसको उन्होंने कंटिन्यूसली देखना है जिनके फॉलोअप होने हैं जिनके सेशन होने हैं हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ थेरेपिस्ट प्रैक्टिस साइकोथेरेपी फॉर एग्जाम्पल इन इट्स ओन प्राइवेट ऑफिस एंड द ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट डिसेबल्ड हिम फॉर

लेकिन क्लाइंट जिसको आप एक थेरेपी दे रहे हैं किसी फोबिया uh, की सिस्टमेटिक रिसंेंसिटाइजेशन कर रहे हैं और उसका केस जो है वो बीच में स्टक हो जाता है तो उसको आपने जितनी एफ़र्ट उसके ऊपर की है वो सारी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि उसको दोबारा से जो हुई फोबिक थाट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी या अगर कोई जनरलाइज्ड uh, एग्जाइटी का कोई पेशेंट uh, है तो उसको मे बी थ्री वीक्स तक कोई हेल्प ना मिले तो उसके लिए पैनिक अटैक्स जो हैं उनकी शिदत में इजाफा हो सकता है एंड मैनी अदर एग्जाम्पल्स लाइक दैट The independent practitioner is also most susceptible to face the problems associated with handling and management of emotionally troubled patients. The client who does not fee bill could be a one person. Uh, for instance, uh, others who are not able to come on the scheduled appointments. And there are client clients who continuously messages or calls to the patient who reassurance तो दिस इज़ एट टाइम्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन हु इज़ इंडिपेंडेंटली मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स इन अनदर केस दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जैसे आपने कोई सेटअप बनाया और उसके अंदर जो है वो अपना एक छोटे लेवल के ऊपर जैसे यंग साइकोलॉजिस्ट जो हैं जो एंटरप्रनोरस भी बनना चाह रहे होते हैं वो कुछ सर्विसज के साथ एक छोटा सा अपना सेटअप बनाते हैं विच इज़ नॉट मच यू नो पब्लिसाइज पॉबली एंड पीपल डोंट नो मच अबाउट दैट सिचुएशन के यहाँ पर exactly क्या सर्विसज की जा रही हैं कई लोग अक्सर टैक्स से बचने के लिए बड़े बड़े बोर्ड्स भी नहीं लगाते और वो अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं किया होता दैट इज़ अनदर एथिकल इशू लेकिन ये कि बात सिर्फ एक क्लिनिक के कॉन्सेप्ट से पीपल कैन यू नो गेट इन टू ट्रबल कि ये किस चीज़ का क्लिनिक है और वहाँ पर प्रॉबेबली uh, वो कुछ दूसरी सर्विसेज देने के लिए भी आ सकते हैं जैसे देर इज एन एग्जाम्पल दैट इट वुमेन कम्स इन एंड ही कंसिडर्स दैट दिस क्लिनिक इज गायनाकोलॉजिस्ट क्लिनिक सो समाइम्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स काइंडसो हैपन और हम उसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में इस तरह के एक्सपीरियंसिस भी अक्सर एक देखते रहते हैं एंड दोज पीपल हु डू नॉट नो मच अबाउट साइकोथेरेपी दे इज यूम डेट अ सिंगल पर्सन हैविंग अ डिग्री इन साइकोलॉजी कैन डील एनी वन हु इज आदर आइदर हैविंग ऑटिज्म और प्रॉबेबली हैविंग द ड्रग डिपेंडेंस केस मे बी हैविंग डाइस्थीमिया एंड और ये ही इज गोइंग थ्रू सम सीरियस काइंड ऑफ साइकोपैथोलॉजिकल बिहेवियर डिलीकुंसी और एनी अदर थिंग सो ऑलवेज रिमेंबर कि हर चीज़ के अपने अपने ट्रेन स्पेशलिस्ट होते हैं और वो सिर्फ उसको ही डील कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस एक थेरेपिस्ट जरूरी नहीं कि साइको पैथोलॉजी को डील कर रहा है तो वो स्पीच थेरेपी भी दे सकता हो लेकिन जनरल पब्लिक को इसकी अवेयरनेस नहीं होती एंड इन दिस सिनेरियो दे इज्यूम दैट एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर हु इज सिटिंग इन अ क्लिनिक कैन प्रोवाइड देयर सोलूशन टू ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग